कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम रखने वाले मेवाड़ के अब युवा भी अपने पूर्वजों की परंपरा को अपने ही रंग में एक अलग रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के एक ऐसे ही उभरते चेहरे सौरभ भट्ट अंतर्राष्ट्रीय कला संगमों में अपने रंग बिखेरे जा रहे हैं। शहर के सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाले भट्ट की कला प्रदर्शनी आने वाली 9 जनवरी से माया नगरी मुंबई में इंडिया आर्ट फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ नया मुकाम भीलवाड़ा की कला और साहित्य को दिलाएगी। इस पर सौरभ भट्ट से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की। जहां भीलवाड़ा कपड़ा नगरी से पूरे देश में जाना जा रहा है, वहीं भीलवाड़ा शहर अब कलाकारी की और चित्रकारी की नजर में भी विख्यात होने लगा है, अपना नाम कमाने लगा है। आज हमारे साथ मौजूद है सौरभ भट्ट, जिन्होंने अब तक 94 एग्जीबिशन कर चुके हो और 95वीं मुंबई में आयोजित होने वाली इंडिया आर्ट फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये जो उनकी उपलब्धि है, ये जो उनका कार्यकाल रहा है, किस प्रकार देखते हैं। आइए हम बात करते हैं। जी सौरभ जी, बताइए आपकी जो आपकी 94 हो चुकी है, 95वीं भी एग्जीबिशन है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा मेरे सारे दर्शक, मेरे सारे श्रोता लोगों को और मेरे चाहने वाले लोगों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी 95वीं एग्जीबिशन है, जो बॉम्बे में नेहरू आर्ट सेंटर, जो कि किसी देश का एक बहुत बड़ा आर्ट सेंटर होता है, वहाँ पे एग्जीबिशन होने वाली है 9 जनवरी 2020 को। और इस पेंटिंग के अंदर, इस कलाकृति के अंदर करीब 40 प्रोफेशनल आर्ट गैलरीज एग्जिबिट होने वाली हैं, अपने काम को एग्जिबिट करने वाली हैं। और साथ ही साथ 4,500 पेंटिंग्स भी यहाँ पे प्रदर्शित होने वाली हैं। इन पेंटिंग्स के साथ में इंस्टॉलेशंस भी होंगे, जो कि एक नया माध्यम आ गया है कलाकारों के लिए, अपने अभिव्यक्ति करने के लिए, मन की अभिव्यक्ति व्यक्ति करने के लिए। और 500 से ज़्यादा कलाकार इस पेंटिंग की एग्जीबिशन के अंदर शिरकत करने वाले हैं। मैं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी युवा कलाकारों के लिए कहना चाहूँगा, जो लोग कक्षा 8 से लेके स्कूलिंग जो अपने कर रहे हैं, 8 से लेके 9, कक्षा 9 हो गई, कक्षा 10 हो गई, ग्रेड जो 10th वाले स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उन बच्चे लोगों के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने मन में जितने भी भाव आते हैं, उन भावों को निकालना शुरू करें और किसी भी प्रकार से, किसी भी कला से अपने मन को निकाला जा सकता है। और उसी चीज़ को रेगुलर करते चले, रेगुलर करते चले। जब आप किसी भी काम को तन्मयता से, मन लगा के 100% उसके अंदर एफर्ट्स लगाते हैं, तो नो डाउट वो काम बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छे से बनता है।